हम ये सवाल पूछते हैं सरकार से, खट्टर साहब से, कि क्या हुआ कि जो हरियाणा विकास में नंबर एक था, 9.5 साल के बाद विकास की पट्टी से उतर गया, आज बेरोजगारी में नंबर एक हरियाणा बना दिया खट्टर साहब आपने। हर घर में एक पढ़ा लिखा भाई, शिक्षित भाई आज बेरोजगारों की कतार में खड़ा कर दिया। ना तो कोई निवेश हुआ, एक भी औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर नहीं लगा, एक भी कोई थर्मल का कारखाना हरियाणा में नहीं लगा, एक कोई विश्वविद्यालय नया हरियाणा में स्थापित करने का काम इन्होंने नहीं किया, एक कोई रेल की लाइन 1 इंच बिछाने का काम नहीं हुआ, एक खंभा मेट्रो को आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ। ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट के अंदर नौकरी और ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी या तो समाप्त कर दी गई, 2 लाख पद समाप्त हो गए, और जो बची वो या तो वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, 5 साल तक भर्तियां निकालते नहीं है, जो निकालते हैं उनमें बाहर के बच्चे ज्यादा भर्ती हरियाणा में होते हैं, हरियाणा वालों को तो बाहर कहीं मौका मिल नहीं रहा। एक के बाद एक लिस्ट आई, एसडीओ की लिस्ट आई 80 में से 78 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट में 99 में से 77 बाहर के, इस साल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई उसमें 156 में से 103 बाहर के, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर की अभी 7 पंचायत अफसर लगाए पंचायतों में काम, बाहर से कोई, दक्षिण से कोई, कहीं से 7 में से 5 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के बच्चों को मौका मिला। कच्ची पदों पे हरियाणा किसी बच्चे को अवसर मिलता नहीं। कच्ची बच्चे की बात करते हैं, खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा आरएसएस का कार्यालय है जहाँ से कौन सी वो पर्ची आती है जहाँ हरियाणा की लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा बाहर के बच्चों को ना आप लगाने का काम कर रहे हैं? खट्टर साहब, इसका जवाब आपको देना चाहता हूँ।